चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान स्टेट के सेकंड राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। डेट वाइज स्लॉट वाइज शेड्यूल आ गया है। इसमें आप इसकी वेबसाइट पर जैसे ही विजिट करेंगे इसमें आपको टाइम स्लॉट मिलेगा कब आपको जयपुर काउंसलिंग के लिए पहुंचना है, क्योंकि ये ऑफलाइन काउंसलिंग है। आपका नंबर कब आएगा इसमें आप अपना टाइम स्लॉट चेक कर लें। उसके बाद में सीट मैट्रिक्स भी जारी हो चुका है सेकंड राउंड के लिए। पिछली बार से कुछ ज्यादा ही सीटें वैकेंट हैं इस बार के लिए, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अभी इस साल रिवर्ट सीट नहीं आ रही है ऑल इंडिया से। इसके बाद में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी आ गई है सेकंड राउंड के लिए। तो सबसे पहले हम एक बार इसका टाइम स्लॉट देख लेते हैं। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर एंटर करेंगे तो इसमें सबसे ऊपर ऊपर टाइम स्लॉट दिया गया है। तो इसमें डेट वाइज देख सकते हैं आप, 10th मार्च 22 से ये स्टार्ट है काउंसलिंग राउंड 2 के लिए। और इसमें जो सुबह 8 बजे जिन कैंडिडेट को प्रेजेंट होना है वो एक इसमें स्टेट मेरिट से लेके 600 स्टेट मेरिट तक के कैंडिडेट को सुबह 8 बजे रिपोर्ट करनी है, और 2 बजे 601 से लेके 1200 स्टेट मेरिट तक के कैंडिडेट को रिपोर्ट करना है। 11 मार्च को 1201 स्टेट रैंक से लेके 2098 स्टेट रैंक सुबह 8 बजे पहुंचना है, और 2 बजे 2099 से लेके 3000 रैंक तक, 3000 स्टेट मेरिट तक पहुंचना है 2 बजे 11 मार्च को। तो इसमें ये शेड्यूल दिया गया है, डेट वाइज शेड्यूल दिया गया है इसमें। तो ये 17 मार्च 22 तक दिया गया है। 17 मार्च को जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जिनकी जो कैटेगरी है वो 11, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 11 है, वो स्टेट मेरिट 100 से लेके 15,301 स्टेट मेरिट तक उनको पहुंचना है जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा आपको एंट्री टिकट डाउनलोड करनी है वेबसाइट से। वेबसाइट पर इसका लिंक आएगा एंट्री टिकट के लिए, तो उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप, यूजर आईडी पासवर्ड देंगे अपना, उसके बाद में एंट्री टिकट डाउनलोड करनी है। वो एंट्री टिकट के बगैर आपकी एंट्री वहां नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो फ्रेश अलॉटमेंट होगा जिनका, जिन्होंने अभी तक कहीं एडमिशन नहीं लिया है, उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। और जिन्होंने राजस्थान स्टेट के फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है उनको अलॉटमेंट के साथ में जो रिसिप्ट है वो लेके जाने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। GDC जयपुर यानी कि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर, सुभाष नगर पानीपेच के पास आपको जाना है। तो ये तो हो गई कंडीशन। अब इसमें आप टाइम स्लॉट में नेम वाइज भी देख सकते हैं कौन से नेम आपका कहां पर नाम आ रहा है। उसके बाद में आपकी डेट और टाइम, क्या किस टाइम में आपको जाना है, तो इसमें नेम वाइज भी लिस्ट दी गई है। हालांकि इसमें जिन बच्चों ने ऑल इंडिया में ज्वाइन कर लिया सेकंड राउंड में उनको हटाया नहीं गया है, लेकिन वो इसमें एलिजिबल नहीं है। तो आप अपने एमसीसी की वेबसाइट पर आप एक बार लिस्ट चेक कर लें, उसका नाम आपका, आपने ऑल इंडिया में ज्वाइन कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। हालांकि हो सकता है कि ये उन कैंडिडेट का नाम हटा के लिस्ट एक अलग से जारी की जाए, लेकिन अभी तक उनका नाम हटाया नहीं गया है। तो ये आप इसमें एक बार चेक कर लें, आपने ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में एडमिशन ले लिया तो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब इसमें सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं आप। सीट मैट्रिक्स से पिछली बार इसमें 450 सीट्स वैकेंट थी, अब की बार 677 सीट्स वैकेंट थे। पिछली बार ऑल इंडिया से रिवर्ट होकर सीटें आई थी 172 सीट्स, अब की बार वो सीटें नहीं आ रही हैं इसमें। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, इसमें जो 600 मार्क्स तक के हैं 10 कैंडिडेट इसमें इंक्रीज हुए हैं, बाकी वही है तकरीबन लिस्ट वही है जो फर्स्ट राउंड के लिए थी। तो आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इसमें देख सकते हैं वेबसाइट पर। तो ये एक काउंसलिंग के बारे में जानकारी थी राजस्थान स्टेट के बारे में। बाकी अपडेट जैसे ही मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे।
आप एक बार अपना टाइम स्लॉट देख करके उसके अकॉर्डिंग जयपुर पहुंचने का प्लान कर लें और उसके अकॉर्डिंग ही अपने काउंसलिंग करवा लें कि किस डेट को आपका नंबर आ रहा है। इसमें एंट्री टिकट आपको जरूर लेके जानी है। अगर आपने एडमिशन अभी तक कहीं नहीं लिया तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर लेके जाने हैं। इनके अलावा जो बाकी बॉन्ड वगैरह की आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जीडीसी में आपको कॉलेज अलॉट होगा, वहां से अलॉटमेंट लेटर लेके आपको एसएमएस जाना है। वहां पर बॉन्ड वगैरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद कॉलेज में रिपोर्ट करनी है और मेडिकल होने के बाद में आपको क्लास अटेंड करनी है। तो ये रहेगा पूरा का पूरा शेड्यूल आगे का। बाकी अपडेट जैसे ही मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।